हेलो एवरीवन, ये नेक्स्ट वीडियो मेरी आ गई है। थोड़ी सी लेट हो गई है बिकॉज मेरी तबीयत ख़राब हो गई है वहाँ से आने के बाद। तो अब इस वीडियो में मैं आपको नागर कैसल लेके चलती हूँ। नागर कैसल की टिकट 50 रुपये पर पर्सन है। तो हमने एंट्री कर ली है नागर कैसल में। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है और होटल भी है। ये यहाँ पे कौन कौन सी मूवी की शूटिंग हुई है वो लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। वैसे मुझे तो जो याद है वो जम्मी वेट है। इसी के ऊपर रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। इधर से भी एंट्री है और इधर से भी एंट्री है रेस्टोरेंट की। यहाँ पे चेयर्स रखी हुई हैं, आप बैठ सकते हो। व्यू बहुत ही अच्छा है जैसा कि आप देख सकते हैं, तो आप ज़रूर आए यहाँ पे। और कैब प्राइस यहाँ पे आने का 1500 रुपये है, क्योंकि ये मनाली से अपोजिट साइड है। तो 1500 रुपये लगेंगे पूरी कैब का, उसमें आप सारे लोग आ सकते हो ईज़िली। रास्ते में ये 2-3 जगह और कवर करवाएगा, बट वो कुछ अच्छी है नहीं जगह। तो ये था हमारा नागर कैसल। मेरी कल की बस थी बट मैंने बस मिस कर दी स्नोफॉल देखने के लिए, क्योंकि मनाली में अभी तक स्नोफॉल हुई नहीं थी। बट सब बता रहे थे कि 2 दिन में स्नोफॉल हो जाएगी, तो मैंने स्नोफॉल की वजह से मैंने अपना एक्सटेंड किया, बट हमारे होटल वाले ने हमें भगा दिया। हमने booking.com से फिर एक्सटेंड करा और फिर बुकिंग भी करी और बुकिंग कंफर्म भी हुई। उसके बाद भी होटल वाले ने हमें रूम नहीं दिया, क्योंकि अभी स्नोफॉल होने वाली है तो रूम बुक नहीं है और थोड़ा एक्सपेंसिव हो चुके हैं, और हमने कम प्राइस में करे थे, इस वजह से हमें रूम नहीं दिया। वो और लोगों को दे रहा है, बट हमने आगे हिल टॉप बुकिंग की है होटल की, तब हम वहाँ जा रहे हैं। द रॉयल होटल से हिल टॉप की डिस्टेंस 1 मिनट की है वॉकिंग। तो हम लोग आ चुके हैं। यहाँ का रूम देखिए आप, इतना बड़ा बड़ा रूम है यहाँ पे बहुत, और बालकनी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ से स्नोफॉल देखने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है हमें। मौसम थोड़ा चेंज तो हुआ है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, पर स्नो कब गिरेगी? अभी भी बारिश ही हो रही है, 2 दिन तक कंटिन्यू बारिश ही दिखा रहा है और स्नोफॉल भी। मौसम तो ज़्यादा चेंज हो गया है। माल रोड पर मैं आ चुकी हूँ। ऊपर के पहाड़ों में तो बर्फ़ भी गिरने लगी है, अब यहाँ कब गिरेगी इसका पता नहीं है। घूमना है तो काम तो करना पड़ेगा, तो बारिश रात में भी पूरी कंटिन्यू हो रही है। अब सुबह तक देखते हैं क्या दिखता है हमें। ये है हमारा मॉर्निंग का व्यू। रात भर स्नोफॉल हुई है और अभी भी कंटिन्यू स्नोफॉल हो ही रही है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा स्नोफॉल का, और मुझे मतलब लाइक कुछ वर्ड ही नहीं है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि मेरा मनाली का स्नोफॉल कैसा रहा। तो आप लोगों ने अगर स्नोफॉल नहीं देखी है तो ज़रूर एक बार स्नोफॉल देखिए, अलग से अलग मज़ा है स्नोफॉल का। जब इतनी स्नोफॉल हो रही है तो मनाली में रह के माल रोड तो जाना बनता है। माल रोड पे बहुत ज़्यादा भीड़ और बहुत ज़्यादा शोर था, तो मैं वापस आ गई अपने होटल और मैंने स्नो एंजल बनाया। मुझे बहुत ही मज़ा आया मनाली की स्नोफॉल देखने में। मेरा 15 दिन रुकना यहाँ पे सफल रहा स्नो देख के। तो आप भी ज़रूर आइए। आपको मैं एडवाइस करूँगी, आप फैब या जैन के एंड में आइए तो आपको 100% स्नोफॉल देखने को मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।